सो मैं मोनिश्का का लंच पैक करने जा रही हूँ एंड लंच में है मोनिश्का के लिए पोहा, और पोहा में मैंने कोई भी वेजेस नहीं डाली, ओनली अनियन डाला है एंड तड़के में जो भी डालते हैं वो डाला है, दैट्स इट। और ऊपर से पीनट्स डाल दूंगी, पीनट मोनिश्का को बहुत पसंद है, बट कोई भी ग्रीन या रेड वेजेस नहीं पसंद है। टोमेटो को मैंने ग्रेट करके डाल दिया था, दैट्स इट। और ये हो गया मोनिश्का का लंच रेडी। सो बस अब इसको इस तरह से पैक करेंगे, ऊपर स्पून रखेंगे और लंच हो गया रेडी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है, मोनिश्का स्कूल चली गई, मोनिश्का के पापा भी चले गए हैं एंड मैंने मोनिश्का को आज ब्रेकफास्ट में पोहा दिया था, तो इसलिए इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। पोहा इज़ वेरी इजी रेसिपी एंड इनके पापा को बेसन का चीला बना के दिया था जो कि इन्हें खाना था, तो बस उसको भी मैंने शेयर नहीं किया। अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी बेसन का चिल्ला। यस, अब मैं अपनी डाइट थोड़ी थोड़ी फॉलो करना स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई होप सो कि मैं अपना वेट फिट के पहले जैसे मैंने रिड्यूस किया था वो मैं कर पाऊँ और मैं फिर से 70 के अंदर जा पाऊँ। मतलब मेरा वेट 68 हो गया था, मैंने पिछले साल 10 केजी रिड्यूस किया था और इस बार मैंने 10 केजी तो नहीं बट फिर भी 5 to 6 केजी मैंने बढ़ा लिया है। बट एनीवे, जब मैं पहले कम कर सकती थी तो मैं अभी भी कम कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली मैं अपनी पूरी डाइट रेगुलर बेस पे जैसे मैंने पहले शेयर किया था वैसे मैं करूँगी। कोटा जाकर तो मेरी बिल्कुल भी डाइट नहीं फॉलो हो पा रही थी, बट अब भी मैं डेफिनेटली अपनी पूरी डाइट फॉलो करूँगी। सो अब मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक्सरसाइज मैंने दो ही रखी है, एक मैंने गेटलो की जो ब्रेस्ट की एक्सरसाइज होती है वो मैंने रखी है और एक जो है मैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मैं 15 to 20 times अभी मैंने शुरू किया है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट करूंगी उसका, धीरे धीरे मैं उसे बढ़ाऊंगी, बट अभी जो है बहुत फास्टली क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैं 5 o'clock पे उठी, 5:15 से मैंने स्टार्ट किया एंड 6 o'clock तक मैंने एक्सरसाइज की और उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है मोनिश्का के पापा के लिए, फिर उसके बाद मोनिश्का को उठाना होता है, फिर उनको पूरा रेडी करना होता है, फिर स्कूल पहुंचाना होता है, तो उस मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पा रहा है, बट हाँ जितना भी टाइम अपने लिए निकाल पा रही हूँ उतना दे रही हूँ। सो बस और अभी मैंने चढ़ा रखी अपने लिए चाय, मोनिश्का को छोड़ के मैं अभी जस्ट आई हूँ, थोड़ी देर हुआ है, और मुझे बिना चाय पिए ना यार मैं अपनी चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब मुझे जो क्रेविंग होती है चाय की होती है और मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, तो बस चाय अपनी रखी हुई है। ब्रेकफास्ट करेंगे नहाने के बाद, अभी हाउस हेल्पर आने वाली हैं वो सफाई वफाई करेंगी, तो अभी मैं नहा इसलिए मैं मॉर्निंग में नहा नहीं पाती, अगर अम्मा नहानी रहती हैं तो मैं कर लेती हूँ, बट अभी जो है बस, और मशीन में पानी खोल रखा है तो इसे बंद कर देती हूँ। आई थिंक भर गया होगा, ओके भर गया है बहुत ज़्यादा। सो मशीन चला दी है, कपड़े जो भी रेगुलर बेसिस के होते हैं वो हो गए हैं, अब मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। ओके चाय बन गई है, यस अब मुझे सिर्फ दूध बॉयल करना है, तो मैं चाय लेकर फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा मैं ना बहुत दिनों से अपने बालों में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करवा रही थी, तो बस आपको पता है कि मैं जब ऑयलिंग नहीं कर पाती मुझे हेयर वॉश करना होता है, तो मैं लगा लेती हूँ एलोवेरा जेल और बिना कुछ लगाए वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर बिना आप हेयर पे कुछ भी लगाए अगर वॉश करते हो ना तो आपका जो बाल है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हमेशा बालों में ऑयलिंग करके ही आप हेयर वॉश करिए। तो जब मुझे नहीं मिलता है टाइम या मैं भूल जाती हूँ, ज़्यादातर तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एलोवेरा जेल लेती हूँ और अपने हेयर पर अप्लाई कर लेती हूँ, और जस्ट आप थोड़ी देर के बाद भी अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो अराउंड 15 मिनट के लिए आप एलोवेरा जेल लगा दीजिए और बस 15 मिनट के बाद आप वॉश कर लीजिए, दैट्स इट। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, और टाइम तो था बट मैं भूल गई थी फिर से सुबह, इस वजह से अभी मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी और उसके लगभग 15 मिनट के बाद मुझे नहाना है, तो मैं नहाऊंगी 15 मिनट के। सो फ्रेंड्स आज मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी वैनिटी की जो साइड वाला जो है उसमें मैं क्या क्या रखी हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना YouTube का कुशन रख दिया है जो कि बहुत प्रिटी लगता है देखने में, और यहाँ पे ये मोनिश्का ने जो मुझे मदर्स डे पर कार्ड दिया था वो मैंने रखा हुआ है साइड में ही, बस ऐसे ही इसको मैं ऐसे पीछे रख देती हूँ ताकि ये दिखे। सो यहाँ पे मैंने कार्ड रख दिया है, और ये है मेरा स्टैंड जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इस ये ना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, मतलब आप अगर इसको यूज़ करते हो, आप इस पर चीज़ें रखते हो ना और आपको पीछे से कुछ भी उठाना होता है ना, तो आप इसको जस्ट रोटेट करिए एंड पीछे वाली चीज़ आगे आ जाती है, तो आपको ईजिली आपको मिल जाता है। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इतना रिजनेबल प्राइस में, और ये बहुत मतलब बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, और बहुत ही कम प्राइस में ये मुझे मिला था। तो इसमें मेरे सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बाबू का लोशन है, मेरे 2 टोनर हैं, मेरा एलोवेरा जेल है, और ये मेकअप रिमूवर है, यहाँ पे एक गुड वाइब्स की क्रीम रखी हुई है, और यहाँ पे एक गुड वाइब्स का फेस जेल रखा हुआ है विटामिन सी वाला, एंड ये मेरी सनस्क्रीन है, ये बाबू की सेटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये मोनिश्का का पाउडर है हिमालय का, और ये मेरा गुड वाइब्स का एक बॉडी लोशन है, और एक ये जो है
और ये रखा है जो कि रात में हमेशा यूज होता है, ये अपने पैरों में लगवाते हैं तो उससे रिलैक्स, इससे काफी रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पे आगे ही रखती हूँ ताकि इसलिए मुझे मिल जाए, और इसको थोड़ा पीछे रखती हूँ कि मोनिश का खींच के गिरा ना दे। एंड जस्ट ऊपर वाले में मेरे दो पाउचेस है, इसमें मेरी मेडिसिन वगैरह मतलब जो रात में मैं यूज करती हूँ ना वो है, और इसमें मोनिश्का का है। सो ये इसलिए रखती हूँ, ऊपर ही रख देती हूँ। यहाँ पे इनकी एक ऑइंटमेंट रखी हुई है ऐसे ही, क्योंकि रात में फिर ढूंढना ना पड़े इसलिए इसे सामने रखी हुई है। और ये मेरे पीछे एक मैंने ये रखा हुआ है स्टैंड, और यहाँ पे एक कोम रखा हुआ है, एक मुझे कोम का स्टैंड भी लेना है। इनकी ये नोज़ की नोज़ ड्रॉप रखी हुई है जो ये हमेशा ऑटर इवन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है मेरे परफ्यूम्स हैं, सो परफ्यूम्स मेरे पास एक ये है मीनिशो से मैंने लिया था बॉडी का ट्विंकल, यस ट्विंकल स्टोन का है, ये सीक्रेट का है, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। और रिसेंटली मैंने ये मीनिशो से लिया है, ये भी मुझे बेहद पसंद है, आपको मैंने शो किया था, मैंने दिखाया था। ये मीनिशो का है बॉडी स्प्रे पर्ल ब्लश का, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, आप कपड़े वॉश भी कर दीजिए ना तो भी ये नहीं जाती। और एक मैंने मीनिशो से ये सॉरी ये जूडियो का लिया था फ्रिक्वेंस, ये परफ्यूम भी काफ़ी अच्छा है, इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता आपकी स्किन पर अप्लाई करने पर। और ये मैंने लिया था, ये काफ़ी ख़त्म हो गया, ये ग्यूसी का है और ये आपको पता है कि काफ़ी बड़ी ब्रांड है। और ये मैंने लिया था सरोजनी नगर से, जी हाँ ये काफ़ी पुराना है, आई थिंक 3-4 साल पहले का है, सरोजनी नगर से लिया था। तो ये मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस मिल गया था, आई थिंक 400 में मुझे मिल गया था। एंड ये मेरी परफ्यूम्स की बॉटल्स हो गई ये, और ये है मेरा हेयर सीरम जो कि लोरियल का मैं यूज़ करती हूँ, छोटी बॉटल इस बार मैंने मंगाई थी। और यहाँ पे मेरा रखा हुआ है, तो मैंने रखा ये लोरियल का सीरम जो कि मैंने आपको शो किया है, और एक सीरम आई थिंक और है, कुछ पीछे गिर गया परफ्यूम गिर गया। और ये विटामिन सी गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम है, अच्छा ओके। सो उसके बाद मैंने ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये है मामा अर्थ का एक्वा ग्लो फेस मॉइस्चराइजर जो कि 72 आवर तक जो है हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है जेल बेस फॉर्म में। सो इतने चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, और बाकी मैंने ऊपर जो रखा हुआ है वो मैंने नेल पॉलिश रखी हुई है, कुछ नेल पॉलिश है। और ये जो खाली आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं लिपस्टिक वगैरह रखूँगी, और इसको मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है, और मिश्का जो है फिर रेगुलर क्या करेंगी इसे उठाएंगे खींचेंगे फिर गिराएंगे और फिर यूज़ करेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ रख दिया है। ये भी काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी यूज़फुल है, आप इसे भी मैंने इसे भी अमेजोन से ऑर्डर किया था तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सो ये मेरा एक साइड का जो वैनिटी का है वो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे रखा, और यहाँ की मैंने लाइट ऑन कर रखी है तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर ये यूट्यूब का जो क्वेश्चन रख दिया मैंने, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये बगल में मेरा है तो दो दो मुझे दिख रहे हैं, आपको दो दो दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सो बस ये मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकी इसमें मैं अभी बहुत, इसमें मोनिश्का अपना इनको फर्स्ट ड्रॉअर चाहिए था तो मोनिश्का ने अपने टॉयज वगैरह रखे हुए हैं, उनका एक मेकअप किट वगैरह रखा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, मैंने साड़ी में कुछ ऐसी स्टेप्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये था मेरा वैनिटी का कुछ, मैंने मुझे दिखाना तो मैंने दिखा दिया, दैट्स इट। चलिए चलते हम नहाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ अपने लिए बेसन का चिल्ला, अभी एक और बचा हुआ है, अभी मैं एक और बनाऊंगी क्योंकि बैटर भी है और दो चिल्ला एटलीस्ट मैं मॉर्निंग में खा सकती हूँ, इसलिए तो बस ये चिल्ला बन रहा है, पहला चिल्ला तो बन गया है। और साथ में मैं लूंगी कर्ड, और ये मैंने बाबू के लिए जो पोहा बनाया था ना वो थोड़ा सा बचा हुआ था, 2-3 चम्मच मैंने खाया तो थोड़ी सी मूंगफली जो है मिलाकर मैंने ये भी फिनिश कर दूंगी क्योंकि फिर बचा रहेगा तो फेंका ही जाएगा। और ये साथ में प्लेन कर्ड है, इसमें कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया है, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया आज का। चलिए फटाफट से दूध देखिए मैंने चिल्ला बना दी रख दिया है, और इसको मैं ढककर अब पकाऊंगी फटाफट से, ये हो जाए फिर मुझे ब्रेकफास्ट करके निकलना भी है। बस अब इसको ढककर पका लेती हूँ फिर खाते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बन गया है, ये देखिए, और मैं अब इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि मनुष्का को लेने जाने का टाइम होने वाला, फटाफट से मुझे रेडी भी होना है। सो बस उसके बाद आएंगे फिर अनबॉक्सिंग करेंगे अपने किचन के एक प्रोडक्ट की। ओके अभी मैंने कोई भी स्किन केयर नहीं किया, ओनली टोनर यूज़ किया क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है किचन में जाते, तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिल्कुल भी स्वेटिंग रुक ही नहीं रही है, क्या है बाहर की रोशनी में आप देख लीजिए, हल्का सा मेकअप है एंड बस मुँह की मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लग रही है। सो उसके लिए मैं नैपकिन यूज़ करूँगी, जब भी लिपस्टिक ज़्यादा हो जाती है तो मैं नैपकिन यूज़ करती हूँ, ना कि मैं रब करती हूँ। नैपकिन लेते हैं और ये देखिए, ये जो ज़्यादा इस तरह से करके लिप्स के नीचे रख कर, तो जितना भी देखिए अब कितनी बैटर लग रही है, मतलब जो भी जितना भी ओवर था ना वो सारा निकल गया है,
और थोड़ी सी मैट भी हो गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए मेरा लिप्स का शेप भी बन गया है और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था ना एक्स्ट्रा लिपस्टिक थी वो निकल गई है। सो अब ये क्या हो गया, मैट हो गई, तो ये बिल्कुल कहीं लगेगी भी नहीं, स्मच प्रूफ भी हो गई है। सो बस अब चलते हैं बाबू को लेने। सो फ्रेंड मोनिश्का को लेके मैं आ गई और मैंने जो है इनके पापा को बोल दिया था कि आज बिरयानी खाने का मन है, तो वो ईटॉन की, यहाँ इलाहाबाद में ईटॉन की बिरयानी मिलती है बहुत टेस्टी, तो वहाँ से वो बिरयानी लेके आ गए और मोनिश्का के लिए लेके आए थे कबाब पराठा। तो मैं मोनिश्का को सबसे पहले दे रही हूँ, पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं क्योंकि उनका पेट थोड़ा सही नहीं है। तो ये कबाब एंड पराठा, और पराठा भी लेकर आए हैं, बहुत यम्मी लगता है। तो मैं मोनिश्का को देकर आती हूँ, फिर मैं इनके पापा के लिए निकालती हूँ। और ये है बिरयानी, हम तीन ही लोग हैं, मतलब मोनिश्का ज़्यादा खाती नहीं है और हम दो, तो हमने एक फुल प्लेट मतलब मंगवाई थी, ये लेकर आए थे फुल प्लेट, हम दोनों का बस इसमें हो जाता है क्योंकि हाफ प्लेट में इनफ होता है, तो ये फुल प्लेट है। सो बस इसमें दो पीसेस होते हैं एंड दैट्स इट। सो ये देखिए बटर पेपर इसमें लगा हुआ था, मैंने निकाल दिया है। अब मैं निकालने जा रही हूँ रायता, इनके पापा फ्रेश हो रहे हैं, तो बस तब तक मैं निकाल देती हूँ रायता। और इसके कबाब के साथ मिलती है चटनी, वो चटनी हम लोग नहीं यूज़ करने वाले हैं, साथ में मिलता है प्याज अनियन कटी हुई। तो बस अब हम लोग भी खाएंगे थोड़ी देर में। सो उनके पापा आ गए हैं, अब मैं जा रही हूँ उनके लिए निकालने बिरयानी। सो बिरयानी दे दी है और साथ में मैं दूंगी हाफ रायता उनके, उनको और हाफ मैं। और देखिए मैं इनको जो है कबाब दे रही थी, एक था तो मैं दे रही, मैंने बोला कि मोनिश्का छोड़ेगी अभी, मैं खा लूँगी, बट नहीं माने और थोड़ा सा बाइट लेके गए हैं बस, और साथ में हाफ पराठा लेकर गए। अब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ और बस अब खाएंगे, लंच करेंगे। और आज लंच नहीं बनाया मैंने कुछ भी क्योंकि मैंने ये मंगवा लिया था, दैट्स इट। चलिए चलते हैं, इंजॉय करते हैं अपने लंच को। अच्छा वो मत खाओ, वो खाओ पराठा तो खा लो, कुछ और दे दूँ, दही से खाओगी? दही से, देखा मैं बोली थी ना नहीं खाएगी। सो फ्रेंड शाम हो गई है और शाम को हम लोग जा रहे हैं मोनिश्का के लिए हेलमेट लेने, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगती है। मैं स्कूटी से बाबू को लेने जाती हूँ तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है, कैब जब लगाओ ना तो उड़ जाती है, तो बस हेलमेट लेने जा रही हूँ। और चलिए चलते हैं, जाऊँगी सिविल लाइन्स। तो अब हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं सिविल लाइन्स। और ये शॉप पर पहुंच गए हैं हम लोग, और बहुत सारे हेलमेट, और यही एक हेलमेट सामने दिखा। और मनुष्का को पिंक कलर का हेलमेट बहुत पसंद है, मतलब पिंक कलर बहुत पसंद है, तो उनको ये हेलमेट बहुत पसंद आया, व्हाइट और पिंक। सो बस अब मनुष्का हेलमेट लगा के बैठने जा रही है, चलो बैठो। सो हेलमेट लेके वापस आ गई मैं, फिर उसके बाद मैं, मुझे कॉफ़ी पीने का मन था और मनुष्का को कोल्ड कॉफ़ी, तो मैं सॉरी वो बॉर्नविटा डाल के दिया था मनुष्का को, तो उनको पीना था जिन्होंने, जिसमें से उन्होंने हाफ पी और मैंने अपनी कॉफ़ी पी। उसके बाद हम लोग गए पार्क, पार्क गए थे ना पहले, पार्क में हम लोग ने क्या किया, बहुत गर्मी में झूला वूला झूला मनुष्का ने, है ना, और हम लोग क्या लेकर आए, कैरम, यस। और क्या लेकर आया बाबू, और ये निशाना लगाने वाला, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट, डार्ट गेम, यस, ये डार्ट गेम लेकर आई है मनुष्का, और ये कैरम लेके आई है, वाओ। आप इसको ऐसे पकड़ो तो आपका फोटो, तो ये अब जो है मनुष्का और हम लोग खेलने जा रहे हैं। हाँ ये देखो इसकी ये गोटियाँ हैं, मतलब जो भी इसको बोलते हैं, टेप लगा हुआ है क्या, ये देखो ये पिंक, सुनो पिंक नहीं लेना है, पिंक सारी गोटियाँ रखते हैं बेटा। अरे इसका मेन स्ट्राइक, इसकी घर कहाँ स्ट्राइकर कहाँ है, मेन स्ट्राइकर कहाँ है, ये है, ये इससे हम लोग खेलते हैं बाबू। और पता है क्या करते हैं इसको, बैठो बताएं, ये सारी गोटियाँ ऐसे ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके एक के ऊपर एक लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं, और सबसे नीचे रखते हैं क्वीन, देखो एक टूटी हुई है, चलो कोई बात नहीं, हाँ सबसे नीचे रखते हैं हम लोग क्वीन, और जो क्यों क्वीन लेता है वो जीतता है, समझ में आया, तो ऐसे ऐसे करके आप सारी गोटियाँ ऐसे लगा देते हैं, हाँ जिसके, हाँ हाँ हाँ
हाँ समझ में आया आपको? वेरी गुड, हाँ बेटा बहुत अच्छा है। ये हो गया फिनिश। अब देखो इसको क्या करना है ना, इसको ऐसे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना, यहाँ भी रख सकती हो ठीक है, यहाँ पे रखना और ऐसे मारना है ठीक है। लो आप पहले स्टार्ट करो ये, लेकिन थोड़ा तेज मारना। अब मेरी चांस ठीक है, वो गिर गया ना कोई बात नहीं। तो हम लोग नहीं अभी मत डालो, अभी देखो मैं डाल के दिखाती हूँ ना कैसे खेलते हैं। कोई बात नहीं, कोई फिर से लगा देते हैं इसको इस तरह से, फिर हम लोग खेलेंगे। अब मैंने दूध भी चढ़ा रखा है क्योंकि मैं दूध भी लेके आई, पनीर भी लेके आई पार्क होते होते। देखो इसको ऐसे कर, देखो पनीर अच्छा लगता है खाना चाहिए। देखो ऐसे जो है ये हमारा शॉट गिर गई ना, इसको गिरे रहने दो। अब आप चलो, आप इसको नहीं मार सकती हो और इसको नहीं मार सकती, अब आगे जितनी गोट है ना उसको मार सकती हो। चलो हाँ मारो, निशाना लगा के मारते हैं। अरे थोड़ा तेज मारो, देखो जैसे ऐसे, ये समझ में आया, मारो। ये देखो ऐसे रेड वाली, लेकिन रेड वाली पहले नहीं निकाल सकते, पहले ये सारी गोट में से एक गोट निकालनी होगी इसके बाद। चलो आप चलो और हाँ चलो 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 चलो, थोड़ा तेज मारो, नहीं मार पा रहा क्या बच्चा? ये देखो ऐसे, अरे वो देखो बच गई जाने से। चलो चलो अब उसको डालूंगी, वो मेरी हो जाएगी। ये देखो ऐसे, ये आप तो उसको डालूंगी। चलो चलो चलो, ये वेरी गुड, ऐसे ही मारो। देखो ऐसे, ये देखो मेरी चली गई, दो गई, ये दो दो गई। अब ये दोनों चलो रखे रहने देते ना, अब मुझे एक और चांस मिलेगी, अब मैं और डालूंगी। नहीं गई, चलो और आप चलो, ये एक और चली गई। चलो अभी मोनिश्का सीख रही है, न्यू गेम है मोनिश्का के लिए। दीदी लोग को दिखाएं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने बनाया फ्राइड राइस, राइस रखे हुए थे, इनके पापा ने बोला कि फ्राइड राइस बना दो, तो बस ये थोड़ी सी पनीर को मैंने फ्राई कर लिया हल्का सा, मतलब तेल डाल के ऑयल डालकर, और बस ये फ्राइड राइस तैयार है। मैंने मोनिश्का को दिया, बट मोनिश्का ने नहीं खाया, क्योंकि वो नहीं, उनको थोड़ा सा भी तीखा लगता है ना, तो वो नहीं खाती है। कोई बात नहीं, पनीर खाना, अच्छा ठीक है साइड कर देना, पनीर साइड कर देना, जाओ। अरे मैं फिर पनीर... मैंने पूछा कि क्या खाओगी, फिर मैंने दूध रोटी बना के दिया, और ये भी मैडम ने बहुत थोड़ा सा खाया, और मैं खा रही हूँ यहाँ पे कर्ड जैगरी पाउडर डालकर, मेरा बहुत मन कर रहा था। दैट्स इट। सो गाइज, दैट इज ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।